2006 में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहली खबर रांची से है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के नतीजे की घोषणा होने के बाद एबीवीपी और आदिवासी छात्र संगठन के बीच झड़प हो गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बैनर और पार्टी का झंडा लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। हंगामा होने के बाद पुलिस ने सभी छात्रों को खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आपको बता दें कि सचिव के पद पर एबीवीपी का प्रत्याशी की जीत हुई है, जबकि बाकी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और उप सचिव के चारों पदों पर आदिवासी छात्र संगठन के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, एबीवीपी आदिवासी छात्र संगठन की झड़प हुई है, झंडा लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर को, या कहें कि इस पूरे इलेक्शन को वो कवर कर रहे थे, और इस वक्त क्या हालात हैं, ताजा अपडेट हम उनसे लेंगे। सौरभ, ये बताइए कि ये जीत की खुमारी है या फिर ये हार नहीं पछ पा रही? बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय छात्र संघ के परिणामों की घोषणा हुई, पांच पदों में से चार सीटों पर आदिवासी छात्र संगठन ने जीत का पक्ष ला रहा है, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सीटों से संतोष करना पड़ा। और जो विवाद का मूल कारण था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के गेट पर झंडा लगाने और बैनर लगाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन चुस्ती दिखाते हुए पूरे मामले को संभाला, और यहाँ सीधे हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो जीते हुए उम्मीदवार है वो अभी निकल कर बाहर आ रहे हैं, और जो भी पार्टी संगठन के लोग हैं उनका स्वागत में लगे हुए हैं, ताकि जो उम्मीदवार उनका जीत करके आए हुए हैं, जो आदिवासी छात्र संगठन के उम्मीदवार जीते हैं, उनके स्वागत समारोह को यहाँ पर लोग उनके स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ आतिशबाजियों का दौर हो रहा है, ढोल नगाड़ों की थाप पर जो है वो छात्र नेता झूम रहे हैं और अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दे रहे हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो खुशी छात्रों के चेहरे पर देखने को मिली है, क्योंकि लंबे समय के बाद आदिवासी छात्र संगठन ने एक बढ़त बनाई है और लगातार प्रयास करने के बाद चार सीटों पर जीत कर आए हैं, और सीधे जीत का जश्न यहाँ पर देख सकते हैं। और हम प्रत्याशी से बात करना चाहेंगे, कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जीत। कितनी दिनों की मेहनत थी और क्या करना चाहेंगे छात्र? अपना कॉलेज में जो भी व्यवस्था अव्यवस्थित है उसको मैं ठीक करूंगा। बिल्कुल, संजय महली जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। संजय जी, आप चार सीटों पर जीते हैं, क्या कहना चाहिएगा? कितना मेहनत करना पड़ा चार सीटों कब्जा करने के लिए? देखिए, ये हम छात्रों के जीत है, ये भगवाधारी और आरएसएस बीजेपी के लोग हमारे कॉलेज को उखाड़ फेंकने के साजिश रच रहे थे, लेकिन ये लोकतंत्र में हमारे स्टूडेंट, झारखंड स्टूडेंट पूरा एकजुट होकर इसको सबक सिखाने का काम किया है। भले ये रांची कॉलेज में, रांची यूनिवर्सिटी में जीत लिया, लेकिन रांची कॉलेज रांची में इनको हम लोग कभी जीतने नहीं दिए। बिल्कुल, तो जो छात्र नेता है वो अपने पार्टी के आदिवासी छात्र संगठन के जीत से काफी उत्साहित यहाँ पर दिख रहे हैं, और सीधे आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं कि जीत का जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। और जो वायदे थे चुनाव के दौरान, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं किए गए थे, उनके उम्मीदवारों की जीतने के बाद वो तमाम प्रत्याशी हैं जो इनके वायदों को पूरा करना चाहते हैं। और आप सीधे एक बार फिर से तस्वीर देख सकते हैं कि बहुत ही उत्साह के साथ तमाम जो छात्र नेता है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। आप किस पोस्ट के लिए जीत करके आइए, क्या पहली प्राथमिकता होगी जो करना चाहेंगे, और आप महिला है, महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? कितने दिनों का प्रयास था, पार्टी ने जो आप पे भरोसा जता कर आपको टिकट दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीत का श्रेय किसको दीजिए? बिल्कुल, तो पार्टी ने जो भरोसा जताया है अपने उम्मीदवार पर, जो अपने छात्र नेताओं पर जो भरोसा जताया है, इस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और जीत का जश्न शुरू हो चुका है, आदिवासी छात्र संगठन के चार प्रत्याशियों ने विश्वविद्यालय में अपना परचम लहराया है, और सीधे एक बार आपको हम फिर तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो छात्र नेता है वो यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग एक साथ झूमते हुए आपको दिखेंगे, फूल मालाओं का दौर चल रहा है, अपने पार्टी के झंडे और बैनर के साथ लगातार यहाँ पर ढोल की थाप पर जो छात्र नेता है वो यहाँ पर झूम रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। और एक लंबा संघर्ष था जिसके बाद आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का छात्र संघ का परिणाम आया है, और एक बार फिर आप तस्वीर देख सकते हैं कि विक्ट्री का साइन जो है वो यहाँ पर आदि
ओथ सेरेमनी होगी, शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद जो वायदे किए गए थे छात्रों के बीच उसको पूरा करने के लिए सभी एकता संकल्पित होंगे। जी रवि, सौरभ, सवाल यह है कि जिस तरह से जब बैनर पोस्टर लगाने को लेकर विश्वविद्यालय गेट पर आमने सामने आ गए थे एबीवीपी और आदिवासी छात्र संगठन, उसी तरह से अब जब जश्न मनाया जा रहा है, विजय जुलूस निकाला जा रहा है, इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई होगी? मुकम्मल इंतजाम किए गए और हम सीधे दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर विवाद यहाँ पर हुआ, इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, और छात्रों को समझा बुझा करके दोनों गुट को शांत किया गया है और पूरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय को छावनी में। बिल्कुल सौरभ, आपका मैं फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जीत की इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। जो जीते हुए उम्मीदवार है उनसे